साल 2020 की शुरुआत राजनीतिक दृष्टिकोण से पोस्टर वार के जरिए शुरू हुई। पहले ये पहल जेडीयू की तरफ से हुआ और अब आरजेडी पलटवार कर रही है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बगल में आप देखें कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित झूठ की टोकरी घोटालों का धंधा। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके ऊपर जो टोकरी है उसमें कई शब्द लिखे हैं। खास करके जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें है जुमलों की टोकरी, झूठ की टोकरी उठाए नीतीश कुमार साफ तौर पर दिख रहे हैं। लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नीतीश कुमार को के बगल में सृजन चोर, गिट्टी चोर, महंगाई, बाढ़, सूखा अपराध, जल जमाव, चमकी बुखार, बलात्कार जैसे और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को दिखाया गया है। वहीं सुशील कुमार मोदी को जुमलों की टोकरी पर सांप्रदायिक दंगे, ध्वस्त कानून व्यवस्था, खत्म शिक्षा व्यवस्था समेत कई ऐसे जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। इसके बाद भी ये सिलसिला थमता नहीं है क्योंकि यह पोस्टर वार है और पोस्टर वार की शुरुआत पहले जेडीयू की तरफ से हुई, अब आरजेडी की तरफ से। आज एक नई तस्वीर एक बार फिर जारी की गई है और ये भी पोस्टर के जरिए बताया गया है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रसारित इस बिहार में साफ तौर पे दो आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो ये लड़ाई है ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ, यानी अपराध, हत्या और विश्वासघाती, बेरोजगारी जैसे शब्दों का उपयोग। तो अब ये जो दीवाल था आरजेडी का वो अब बैनर और पोस्टर से पटा पड़ा है। यही आलम है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय का, जहां पर पोस्टर के जरिए लोग जो है रुक रुक कर देख रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, बाबा क्या है ये पोस्टर में क्या दिखाया गया है? तो फोटो देख रहे हैं, लालू यादव का है, नीतीश कुमार का है। क्या लगता है दोनों को एक दूसरे की तरफ बताया गया है, क्या दिखाना चाहते हैं? दोनों तो अपना अपना सब चाहते हैं कि हमारा राज हो, चाहते हैं कि हमारा हो, है ना? अपना अपना बड़ाई करते हैं, अपना अपना बड़ाई कर रहे हैं। गरीबी कोई मदद कहाँ आजकल होता है। हाँ, क्या लगता है इस साल बड़ा कांटे का मुकाबला होगा दोनों के बीच? हम लोगों को तो लगता है कि दोनों में से किसी को नहीं, दूसरा पार्टी को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जनता है और जनता भी अपने हिसाब से सोचती है। कुछ और लोग हैं जो पोस्टर को देख रहे हैं। ये बताइए, पोस्टर पर नज़र पड़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ बताया गया है इस पोस्टर के जरिए? बताया गया वो तो सही, जो जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसा अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो किए हैं वो सही लिखा हुआ है। जनादेश का ये व्यापार किए है, जनता इनको मदद किया, उसका उल्टा ये इन्होंने किया है काम। कुर्सी की लालची है ये, है ये तो पलटू राम, इनको कहा ही गया है पलटू राम है। तो अब पोस्टर के जरिए जो इस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है उसका असर पड़ेगा जनता, बिल्कुल जनता पर असर पड़ेगा इसका, और इसका परिणाम अगले चुनाव में इनको दिखाई देगा। बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल 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 असर देगा इस बार। पोस्टर का कितना प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है? पहले फिल्मों में का पोस्टर देखते होंगे, अब लगता है कि राजनीतिक जो घराना है वो भी अब पोस्टर का उपयोग, राजनीति का अंतिम चरण है इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये सब अच्छी बात नहीं है। पोस्टर के माध्यम से किसी की आलोचना, किसी का प्रशंसा अच्छी चीज नहीं है राजनीति में। वाह क्या बात है, जनता इस चीज़ को समझती है? बिल्कुल समझ रही है बात को। बिल्कुल, तो देखिए आप कि किस तरीके से, क्या लगता है पोस्टर का कितना इम्पैक्ट होगा? पोस्टर का इम्पैक्ट होता है, पोस्टर एक माध्यम है लोगों को दिखाने का और लोगों को बीच बताने का कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की उपलब्धियां क्या है, या सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, या सरकार बहुत सारी चीज़ है पोस्टर के माध्यम से। देखते होंगे कि आप फिल्मों में पोस्टर के माध्यम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाता है। अच्छा, तो वही स्थिति है, पोस्टर ज़रूरी है। और जो पोस्टर बार शुरू हुआ है वो दोनों आदमी के तरफ से वो अच्छी बात है कि लोग अपना अपना दिखा रहे हैं कि आरजेडी ने दिखाने का काम किया कि मेरा जो 15 साल का शासन है वो सुशासन से बढ़कर है। लेकिन नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं वो जंगल राज से भी घटिया राज उसको कहा जाए, जहाँ की पहले बलात्कार होते थे अब सामूहिक बलात्कार होते हैं, बैंक रोबरी, डकैती,
आज कौन ऐसा दिन है, अखबार उठाइए तो देखिए कि चार को मर्डर नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, एक पाइप के सहारे बैंक को लूट लिया जाता है बिना सिनेमा के बगल में, ये सुशासन है क्या? कुछ युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप पोस्टर देख रहे थे, तो पोस्टर का कितना प्रभाव बन आपके ऊपर आ सकता है? ये तो साफ सामने में आ रहा है, ये तो मतलब युवा को बरगलाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो साफ सामने की बात है। जो कि अरे उनका कंपटीशन आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया 15 साल में, आप ये दिखाइए हम 15 साल में क्या किए हैं, बिहार का पूरे देश में क्या नाम है, कहाँ स्थान है। नीति आयोग तो भी अब इनको जवाब दे रही है, ये तो नीति आयोग भी तो इनको जवाब दिया, ये तो कहते थे जो मतलब कि लालू जी लोग गठबंधन का लोग टीना का चश्मा लगाया, नीति आयोग तो सरकारी है, नीति आयोग भी इनको जवाब दे रही है, तो नीतीश जी को 2020 बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, तो पोस्टर का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है यह तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म जब रिलीज होती है तो उसके पहले पोस्टर दिखाया जाता है ताकि उस फिल्म का प्रमोशन किया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसमें बेहतर कौन होगा यह जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल पोस्टर का यह जो अटैक है, पोस्टर अटैक, वो जारी है। सहयोगी राजीव के साथ कुमार।